sequence a sequence is an ordered arrangement of the numbers according to a given rule isi baat se baat clear ho rahi hai jo likha hai ordered arrangement hai kiska numbers ka written according to a given rule matlab for example this is the example in front of you that पहला number है वन अगला number है फोर अगला number सेवन अगला टेन अगला थर्टीन तो ये कोई तो rule होगा जिसके हिसाब से लिखे गए हैं The rule written over here is this one थ्री and माइनस टू अब ध्यान से देखें थ्री एन माइनस टू के अंदर में जैसे ही हम एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो थ्री माइनस टू इज वन एन की वैल्यू टू पुट करते हैं सिक्स माइनस टू इज फोर एन की वैल्यू थ्री पुट करते हैं नाइन माइनस टू इज सेवन एन की वैल्यू फोर पुट करते हैं आंसर इज टेन एंड इट गोज ऑन सो दिस इज द गिवन रूल बेस्ड ऑन विच वी इंसर्ट द वैल्यू ऑफ एन

सिक्स एन प्लस वन की बात करूं तो एन की वैल्यू आप वन पुट करेंगे तो आंसर आएगा सेवन एन की वैल्यू टू पुट करेंगे तो सिक्स इंटू टू ट्वेल्व प्लस एन की वैल्यू थ्री पुट करेंगे सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर प्लस वन इज ट्वेंटी ये 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 पूरे की पूरी एक सीक्वेंस लिखी गई है क्लियर है बात तो द इंडिविजुअल नंबर्स फॉर्म अ सीक्वेंस आर द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस जैसा अभी अभी हमने बात करी याग्जाम्पल में बात कर सकते दो चार छ आठ दस किस रूल से लिखे गए एक अलग बात है लेकिन जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल नंबर कौन है टू एक नंबर है फोर एक नंबर है सिक्स एक नंबर है एट एक नंबर है टेन एक नंबर है ये सारे के सारे क्या है दीज आर दर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल इज दर्स्ट टर्म दिस इज दर्म दिस इज दर्ड टर्म

एंड इसी तरह चलते जाएंगे एन टी एन टर्म दिस इज दी एनथ टर्म जनरल बात हम इसको एनथ टर्म लिख सकते हैं जनरल टर्म राइट दिस इज जनरल टर्म और एन की वैल्यू आप टू थ्री फोर वट एवर यू इन यू गेट दैट वैल्यू इन अ गिवन सीक्वेंस